ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर बनाने की नसीहत दी तो यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कोरोना महामारी को अपनी जेब भरने का अवसर बना लिया। दरअसल यूपी एसआरटीसी की ओर से विदेशों से आने वाले भारतीयों को घर पहुंचाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से बस और टैक्सी चलाई जाएंगी, लेकिन अब आपको कोरोना वायरस लॉकडाउन में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से नोएडा और गाजियाबाद आना महंगा नहीं बहुत महंगा पड़ेगा। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक एयरपोर्ट से 250 किलोमीटर तक की टैक्सी के लिए 10,000 रुपए चुकाने होंगे। अगर टैक्सी 250 किलोमीटर से ज्यादा की ले ली जाती है तो फिर प्रति किलोमीटर 40 रुपए वसूले जाएंगे। इसी दूरी के लिए अगर आप एसयूवी किराए पर लेते हैं तो 12,000 रुपए चुकाने होंगे और फिर प्रति किलोमीटर 40 रुपए। आईजीआई एयरपोर्ट से नोएडा और गाजियाबाद तक के लिए टैक्सी ली जा सकेगी। टैक्सी के अलावा यूपीएसआरटीसी बसें भी चलाएगी। 100 किलोमीटर तक रोडवेज की एसी बस के लिए प्रति सीट 1500 रुपए देने होंगे। 100 से 200 किलोमीटर की यात्रा के लिए 3000 रुपए देने होंगे। शारीरिक दूरी के लिहाज से बस में सिर्फ 26 लोग ही यात्रा कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाहे आप 50 किलोमीटर जाए या 250 किलोमीटर, आपको एकमुश्त 10,000 रुपए चुकाने ही होंगे। यूपी सरकार के इस विवादित फैसले पर बवाल मचा है। सोशल मीडिया पर लोग यूपी सरकार की जबरदस्त आलोचना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस मुसीबत के समय सरकार लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें लूटने का इंतजाम कर रही है। सोशल मीडिया पर किरकिरी के बाद यूपीएसआरटीसी के एमडी डॉक्टर राजशेखर ने ट्विटर पर बयान जारी कर कहा है कि किराए को लेकर कमेटी बना दी गई है जो जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। और इस टैक्सी का जो रेट था उसको लेके कुछ जो इश्यूज थे उस चीजों में, और उसको फिर से परीक्षण करके उस पर उचित निर्णय लेने के लिए परिवहन निगम ने एक 3 मेंबर कमेटी गठित की है जिसमें कि CGMO, CGMT और RTO है। वो इसका परीक्षण करके 24 घंटे में उस पर एक उचित निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद परिवहन निगम जो है उसमें आवश्यक कार्रवाई करेगा। मैं फिर से ये सभी लोगों को बताना चाहूँगा, परिवहन निगम इस विषम परिस्थिति में भी जनता की बेहतर सेवा के लिए कटिबद्ध है। हम लोग करते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी हो सकता है कि आने वाले दिनों में गरीब मजदूरों की तरह शहरी मध्यम वर्गीय लोग भी अब आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों तक पैदल चलते हुए दिखाई दें। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की यह दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।